आज हम बीएससी ऑफिस में बैठे हुए हैं और मेरे साथ बच्चे हैं, डीपीएस के छोटे छोटे बच्चे हैं। मासूम बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है और प्रिंसिपल ने आज इन बच्चों को कल भी एक सेपरेट रूम में बिठा कर रखा, इनको क्लास में नहीं आया एंटर करने दिया और ना ही अभी तक सेक्शन अलॉट किए गए हैं और आज इनको स्कूल के अंदर एंटर भी नहीं करने दिया। आज ये सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, क्या मैं यहाँ वसुंधरा थाने में खड़ी हूँ और यहाँ पर जयपुरिया स्कूल के पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, जिन बच्चों को स्कूल में आज और कल दोनों दिन ही स्कूल में एंटर होने के लिए मना कर दिया गया फी को लेकर के। आपको पता होगा कि सारे ही पेरेंट्स फी हाइक के अगेंस्ट में काफ़ी सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार और प्रशासन आंखें मूंद करके बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं है। फी हाइक के नाम पर भी एक फी एक्ट भी आया था जिसको ना ही तो आज तक सरकार इम्प्लीमेंट करवा पाई है, ना ही प्रशासन अगर कोई उसका वॉयलेशन करता है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले पाई है। और यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स आए हुए हैं थाने में और बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जिनको स्कूल में आज एंटर होने से मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर फी रिलेटेड इश्यूज हैं तो आखिर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो पेरेंट्स के साथ बैठ करके बात ना करके बच्चों को स्कूल से आखिर क्यों निकाल दिया गया, उनको खाली यहाँ पर मजबूर कर दिया गया है थाने में दिन भर बैठने के लिए। मैं भी मैंने बहुत बार सुना है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मुझे दो दिन से स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कौन बचाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट, अध्यक्ष अभिभावक संघ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट लगातार मुझे मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन का। जितना हो सकता है चार साल से मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सारे अभिभावक को जोड़ने की, सभी संगठन के साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने की, और कई संगठन ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कई संगठन बहुत दूर दूर से भी कॉल्स आ रही हैं, आप लोग वीडियोस वायरल कर रहे हैं और वीडियो वायरल करने के थ्रू वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभिभावक का और सभी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला जो संगठन जो सपोर्ट में आया है वो है स्कूल फी नियंत्रण संगठन, जो कानपुर में बहुत ही निष्ठा के साथ और जुझारू रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं। और जो स्कूल माफिया के चीज़ें हैं, जो उनके गलत रवैया है अभिभावकों के साथ, उसको लगातार उजागर कर रहे हैं और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। तो मैं आप सभी का साधुवाद करती हूँ, जो भी लोग शिक्षा में सुधार के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे संगठन मेरे साथ ऑलरेडी पहले भी जुड़े हुए हैं और कई बार हम लोगों ने साथ में मिलकर के प्रोटेस्ट और धरने प्रदर्शन कैंडल मार्च किए हैं, लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ कि अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, सभी लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के साथ, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये बिना जागरूकता के, बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे RR ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आप मेरे FB से जुड़ सकते हैं प्रियंका राणा, और उसमें आप मुझे मैसेंजर से मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों का जो ये सहयोग है ये बहुत बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ जितना हो सके आप लोग हमसे जुड़िए और हम लोग कोशिश करेंगे जितना जागरूकता हम लोग आपको दे सकते हैं, जितना आपको जानकारी हम लोग दे सकते हैं फी एक्ट के बारे में और आपके अधिकारों के बारे में, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, स्कूल माफिया अपनी मनमर्जी करता रहता है आपकी नाक के नीचे से, जबकि आपके बहुत सारे अधिकार हैं जिनको वो छीन नहीं सकते
हैं, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं। तो हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी है वो मुहैया कराएंगे, या लीगल एडवाइस जो है वो आपको दिलवाएंगे। तो आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी है या कुछ भी आपके सवाल हैं, आप मुझे जो मैंने आपको बताया है तीन चीज़ें, YouTube चैनल, FB और ट्विटर, आप इसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं।